अजय समीर, सबसे बड़ी खास बात इनके जो कामों में है वो इनके कलर्स, बड़े अर्थ के कलर्स को उन्होंने यूज किया। एंड एज जेपी इज राइट हियर, यू सी ही इज ड्रेस्ड इन वेरी सिंपल व्हाइट शर्ट मैचिंग हिज हेयर, ओनली टू सिग्निफाई द आइडिया दैट ऑल द कलर्स दैट आई हैव आर ऑन द वॉल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यक्षिणी, स्वागत है आपका कला अध्यात्म के इस कार्यक्रम में। आज हम हैं दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जहां जेपी सिंह की एकल प्रदर्शनी चल रही है। जेपी सिंह जो किसी कारणवश कला की विधिवत शिक्षा नहीं ले पाए, तो इन्होंने स्वाध्याय के सहारे एक एकलव्य की भांति अपने आप को तपाकर कला की बारीकियों को सीखा है। एक लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति भवन में एक कलाकार के रूप में अपनी सेवा देने के बाद, आजकल पूरी तरह से एक स्वतंत्र चित्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। आइए मिलते हैं आज के कलाकार से। नमस्ते, मेरा नाम जेपी सिंह है, मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से, और मैं राष्ट्रपति भवन से सीनियर आर्टिस्ट की पोस्ट से पिछले साल रिटायर्ड हुआ हूँ। बचपन से काम करता हूँ दिल्ली में, और सौभाग्यशाली हूँ कि 7 राष्ट्रपतियों के साथ मैंने काम किया है, उनकी सेवा में कर पाया हूँ। तो पिछले साल मार्च फरवरी में मैं रिटायर हुआ हूँ। एजुकेशन मेरा फॉर्मल आर्ट का एजुकेशन मेरा नहीं हुआ है, मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में ट्राई किया था, मैंने रिटर्न एग्ज़ाम दिया था, वहाँ मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर एक छोटा सा डिप्लोमा किया जिसकी वजह से मुझे जॉब मिल गई, और प्रमोशन करके मैं आर्टिस्ट की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। ये मेरी एजुकेशन है। मेरा जो बैकग्राउंड है साइंस का रहा है, आर्ट नहीं पढ़ा है मैंने एक्चुअली। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू सो मच। ये मेरा काम त्रिवेणी कला आर्ट गैलरी नई दिल्ली में 2 अप्रैल से है, और जो 12 अप्रैल तक चलेगा। यहाँ पे मैंने सारा अमूर्त चित्रण को प्रदर्शित किया है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को लगाया है, सारे के सारे मेरे अमूर्त चित्र यहाँ पे प्रदर्शित हैं। अमूर्त में मैंने जो भौतिक संसार में जो चीज़ें हैं, जो दिखती हैं और कुछ नहीं दिखती हैं, और उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकार है, जो सांकेतिक रूप से मैंने दिखाने की कोशिश की। आप देखेंगे कहीं कहीं ना ट्रायंगल है, कहीं स्क्वायर है, कहीं सर्किल है, तो ये कहीं ना कहीं जो भौतिक संसार में वस्तुएं हैं या जो प्राकृतिक हैं, जो अप्राकृतिक है, उनका कोई ना कोई साइज है, तो वो उस संकेत को मैंने दिखाने की कोशिश की है। दूसरा, हर पेंटिंग में मेरा एक एरो है, एरो का संकेत ये है कि वो गति को प्रदर्शित करता है। दूसरा, आप मेरी सारी पेंटिंगों में एक डार्क स्पॉट कम है और डार्क स्पेस कम दिया है मैंने पेंटिंग में, लाइट ज़्यादा है। तो उसके पीछे जो मेरा सोचने का है वो ये है कि जो गहरा रंग होता है, काला रंग होता है डार्क, वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है और नेगेटिविटी को रिलीज करता है, और लाइट कलर जो है वो पॉजिटिविटी को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइट कलर है वो पॉजिटिविटी को ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं, नेगेटिविटी को कम रिलीज हो रही है। तो नेगेटिव जो ब्लैक स्पॉट है, उस पॉजिटिविटी को ऑब्जर्व करके टोटल पॉजिटिविटी को रिलीज कर रहा है, तो ये दिखाने की कोशिश की है। दूसरा ये है कि मेरे कुछ पेंटिंगों में आपको दरवाजे खिड़कियां मिलेंगे, वो दरवाजे और खिड़कियां संकेत है कि हम जब संसार में आए हैं तो वो अदृश्य कोई ना कोई द्वार है जिससे हमारा आगमन हुआ है, और एक दिन इस संसार को छोड़ के चले जाने हैं, तो वो जो आवागमन है वो एक रास्ते से द्वार के माध्यम से होता। तो मेरी पेंटिंगों में समय अमूर्त रूप में वो द्वार का सांकेतिक चिन्ह है, जीवन का आवागमन है। धन्यवाद। हेलो, मैं अजय समीर, आर्टिस्ट हूँ दिल्ली से। आज मैं त्रिवेणी आर्ट गैलरी में हूँ, और मेरे बहुत पुराने मित्र हैं जेपी सिंह, और इनका शो, सोलो शो यहाँ पे चल रहा है।
जेपी सिंह को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत हम लोग कॉलेज टाइम के मित्र हैं और इनकी काम की जर्नी को मैंने बहुत स्टार्टिंग से देखा और करते करते आज वो जहाँ पे आए अब्स्ट्रैक्शंस की तरफ आ गए हैं। और सबसे बड़ी खास बात इनके जो कामों में है वो इनके कलर्स, बड़े अर्थ के कलर्स को उन्होंने यूज़ किया और जिस तरीके से उनकी पेंटिंग्स में जो बैलेंस है, कलर टोन्स हैं, फॉर्म्स आती हैं बीच बीच में और जनरली आप देखेंगे ब्लैक लाइंस, इनकी इनकी ड्राइंग्स में अब्स्ट्रैक्शन में वाइट लाइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो निकालते हैं उसको। तो कुल मिला के काम इनका इतना डेवलप हो गया कि बड़ी खुशी होती है। तो बहुत बहुत बधाई जेपी सिंह जी को उनके इस सोलो शो के लिए। थैंक यू। इट्स विद ग्रेट प्लेजर दैट वी आर एट जेपी सिंह्स शो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो कि जेपी ने कुछ ही महीनों में एक दूसरी प्रदर्शनी लगाई है और काफ़ी सालों में तक प्रदर्शनी ना लगाने के बाद बैक टू बैक टू मेजर शोज इन द सिटी ऑफ दिल्ली। लास्ट वन वाज एट आईफैक्स एंड दिस वन हियर इज टू ब्रिंग टुगेदर द एलिमेंट्स ऑफ नेचर व्हिच हैज इन्फ्लुएंस्ड हिम greatly in his journey as a government servant working with the president's house, to be exposed to the highest echelons of the city, to very fine art and artists, and his continuous rigor of working in a medium that has been very comfortable to his presence of questioning and looking creatively, growing, of understanding art and then wanting to convey his journey as an artist. And this particular show celebrates that in more ways than one. You see the change of palette from his last show at IFAX, and as JP is right here, you see he's dressed in very simple white shirt matching his hair, only to signify the idea that all the colors that I have are on the wall. Thank you so much. नमस्कार, मैं कविता राजपूत एक स्वतंत्र चित्रकार की तरह दिल्ली में काम कर रही हूँ, देश विदेश में प्रदर्शनी करती हूँ। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है जेपी सिंह जो दिल्ली के कलाकार हैं, दिल्ली में रहते हैं, बहुत समय से काम कर रहे हैं, उनकी एक चित्रकला प्रदर्शनी में मैं आई हूं जो एक सोलो शो है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के सारे रंग किस तरह से अध्यात्म के साथ आगे बढ़ते हुए अपने ज्ञान को एक पराकाष्ठा तक ले जाते हुए उन्होंने जो कैनवस पे बनाया है वो देखने योग्य है। मैं दिल्ली में सभी से ये गुजारिश करूँगी कि आप आए इस प्रदर्शनी को देखें और देखें कि कैसे अमूर्त में सबसे बड़े भाव दिखाई देते हैं, कैसे वो भाव हमें एक दूसरी दुनिया में सफर कराने के लिए ले जाते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ इस चित्रकला प्रदर्शनी में जो 11 तारीख तक अभी है अप्रैल में। तो आप आइए और देखिए, सौभाग्य प्राप्त कीजिए इस शानदार चित्रकृतियों को देखने का। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है। धन्यवाद।